नेपाली मूल के लोगों द्वारा मनाली में लोसर उत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेपाली मूल के ठेकेदार दावा लामा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दावा लामा ने सभी लोगों को लोसर की बधाई दी। इस दौरान नेपाली मूल के बच्चों ने नेपाली नाटी डालकर खूब समा बांधा। मनाली में रह रहे नेपाली मूल के लोगों ने लोसर उत्सव धूमधाम से मनाया। हिमालयन नेपाली बुद्धिस्ट संघ ने हिमालयन बुद्धिस्ट सोसाइटी मनाली में कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नेपाली मूल के ठेकेदार दावा लामा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। दावा लामा ने लोगों को लोसर की बधाई दी और कहा कि मीलों दूर संस्कृति का संरक्षण सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि नेपाली मेहनत और ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं, जिसे युवा पीढ़ी भी कायम रखे। कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज के सभापति साइला लामा ने भी संस्कृति के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हिमालयन नेपाली बुद्धिस्ट संघ सराहनीय कार्य कर रहा है। लामा ने कहा कि ये उत्सव एक दूसरे को नजदीक लाते हैं और संस्कृति के संरक्षण में भी भूमिका निभाते हैं। मूल प्रवाह के भारतीय नेपाली एकता समाज का प्रधान साइला लामा तरफ से हरी दोसर के लिए पूरा मनाली वासी और जितना बुद्धिस्ट संघों में हार्दिक कामना करता हूँ, ताकि उम्र लंबा हो, सबका लिए बहुत बढ़िया दोसर माने जाए। दूसरी जो है साल चालों वर्ष हम होता है, इसलिए 12 साल में हमारा महोदय में बुद्धिस्ट का एक जन्मदिन भी है, उसमें जो है मैं हार्दिक शुभ सामना कर रहा हूँ सभी। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नेपाली मूल के बच्चों ने नेपाली नाटी डालकर खूब समा बांधा। इस अवसर पर नीमा शेरपा, प्रेम शेरपा, बहादुर सिंह सचिव, मिलन शेरपा, दावा शेरपा, नीमा शेरपा ने भी नेपाली मूल के लोगों को लोसर की बधाई दी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।